हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एलुमनाई सीरीज वन टाइम अगेन। आज हमारे साथ मेरे बड़े स्पेशल गेस्ट हैं रोहित। ये मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, मेरे कुलीग भी रहे हैं और मिर्चावाला के वन ऑफ द ओल्डेस्ट एलुमनाई हैं, यानी हमारे स्टार्ट के दौर के स्टूडेंट रहे हैं। एंड इनकी करियर जर्नी एक बड़ी आउटस्टैंडिंग जर्नी है और ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ 11 इयर्स। अभी 11 साल के एक्सपीरियंस होल्डर हैं एंड ही क्वालिफाइड बैक इन 2015-2017 में रॉयल मेंबर बने। नाउ ही इज एन FCCA और करेंटली ये बड़ी मशहूर कंपनी पाकिस्तानियों के लिए बैरिक गोल्ड माइंस में जॉब कर रहे हैं, जो बलूचिस्तान में रैकेटिक गोल्ड माइंस, जो अक्सर आप लोग सुनते हैं कि बलूचिस्तान में गोल्ड माइंस का प्रोजेक्ट है, उनके अंदर ये बजटिंग एंड प्लानिंग लीड हैं। रॉयल का एक्सपीरियंस बहुत आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस है और बहुत आउटस्टैंडिंग जर्नी है। और जैसे मैंने पहले कहा कि ही इज़ वन ऑफ आर ओल्ड एलुमनाई, तो इनका एक्सपीरियंस, इनकी वैल्यू एडिशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इस एलुमनाई सीरीज का मकसद है ये कि बच्चों को हमारे एलुमनाई अपनी करियर जर्नी, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को, एस्पायरिंग स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती है, क्योंकि बच्चों को डिफरेंट डिफिकल्टीज आ रही होती हैं, डिफरेंट उनके क्वेश्चंस होते हैं। तो जब ये सक्सेस स्टोरीज और ये एलुमनाई आपके सामने आते हैं तो ये आपको एक अलग तरह मोटिवेट करते हैं। तो रोहित आपके साथ अपनी करियर जर्नी शेयर करेंगे और फिर स्टूडेंट्स के जो अक्सर क्वेश्चंस होते हैं कि भाई जॉब कब शुरू करनी चाहिए, इंडस्ट्री, फर्म, इन तमाम चीज़ों पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले रोहित, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। और मैं फिर कहूँगा कि एलुमनाई जो अपना टाइम निकाल रही है, इनका बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में ऑक्यूपाइड होते हैं, इनकी पर्सनल लाइफ इतनी कमिटेड होती है, तो ये खास तौर पर वक्त निकाल कर आते हैं। तो रोहित, थैंक यू फॉर गिविंग टाइम एंड मैं चाहूंगा कि आप स्टूडेंट्स को अपनी जर्नी शेयर करें और हाउ ACCA कंट्रीब्यूटेड टू योर करंट पोजीशन। तो जो बच्चे एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक आइडिया हो कि वो अपने आप को 10 साल बाद कहां फोर्सी करें। थैंक यू सो मच ओवेस फॉर इनवाइटिंग मी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी टीचर्स और अपने इंस्टीट्यूट के साथ कनेक्ट रहना, इट्स एन प्रेस्टीज एंड ऑनर फॉर मी। And as far as my ACCA journey is concerned, जब मेरी आपसे बात हुई तो it took me back to 2009-2010, जहाँ पे मैंने जब मैं intermediate complete किया and I was from pre-engineering background, so word accountant or accounting was entirely new for me. और मैं अपनी family and extended family में I was the first one who was pursuing the career in the finance and the accounting field. सो वो मेरे लिए एक बड़ा एक नया स्टार्ट था एंड वहाँ फिर बड़ा बेसिक से जो है वो अकाउंटिंग फाइनेंस का जो है ये कैट के जो एग्जाम्स होते थे वहाँ से स्टार्ट किया। एंड इन मिड 2010-2011 स्टार्ट में जो है वो ACCA में मूव हुए और वो एक बड़ी इंस्पायरिंग जर्नी रही है। इसमें सबसे मतलब उस वक्त इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि जब मैंने ACCA किया, जब स्टार्ट किया और जब मैं मिड में पहुंचा, तो जाहिर सी बात है आपके पास जो है वो आपको मुश्किल भी होती है। बैकग्राउंड मेरा फाइनेंस का नहीं था, मैंने कभी अकाउंटिंग नहीं पढ़ी थी, तो मुझे आज भी अच्छी तरह याद है जब मैं F7 के एग्ज़ाम में पहुंचा था तो आधे कोर्स होने के बाद सर मुस्तफ़ा पे एक दिन मैंने जाकर बोला कि पिछले 2 महीने में मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, यहाँ क्या हो रहा है क्लास में। एंड लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जितने एग्जाम्स थे मैंने सारे के सारे बिल्कुल फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाले एंड आई क्लियर्ड माय 11 एग्जाम्स इन 2 ईयर्स। सो वो बड़ा अच्छा जो है ऑब्वियसली टीचर्स के साथ, स्पेशली सर सुभान और सर मुस्तफ़ा, सर अहमद शफी के साथ बड़ा अच्छा एक साथ रहा। एंड आई वॉज अमंग द फ्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने लॉ का एग्जाम भी सर सुभान से पढ़ा है, तो एंड FA भी सर सुभान से। सो इट वॉज अ वेरी गुड। अच्छा, एक चीज़ और मैं बड़ी यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स ACCA परस्यू करते हैं तो वो बाज़ दफ़ा ये सोचते हैं कि यार अगर मुझसे ACCA नहीं हुआ सो आई विल मूव टूवर्ड्स दी MBA और मैं साथ में BCom कर लेता हूँ या दूसरी चीज़ें कर लेता हूँ। तो मैं आपको बड़ा एक फन फैक्ट बताता हूँ कि मैंने BCom नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं Day 1 से मैं बड़ा कमिटेड था ACCA के साथ कि अगर मैंने करना है तो ACCA करना है, वरना कुछ नहीं करना, वरना नहीं। तो वो एक साथ दो किश्तियों में जो है वो चलने वाला जो है मैंने सिस्टम नहीं किया एंड यू नो बिल्कुल फुली कमिटमेंट के साथ, फोकस के साथ रहे। एंड इन 2014 बाय द एंड ऑफ 2014-15 मैं जो है वो सारे एग्जाम्स क्वालिफाई हो गए।
इंटरेस्टिंगली 2013 में मैंने जो है वो जब मेरे 11 एग्जाम्स हो गए थे, मैंने अपनी करियर जर्नी स्टार्ट कर दी थी एंड वहाँ पे फिर मैंने अपना वर्क मेरा जो था वो एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो गई एंड बस उसके बाद फिर पीछे नहीं मुड़े एंड चलते गए एंड राइट नाउ आई एम सिटिंग विद यू गाइस. सो दिस इज अ बिट ब्रीफ ऑफ माय जर्नी. ये है, देखिए रोहिल की जर्नी ऐसी है कि वो कंसिस्टेंसी है कि भैया आपने लगे रहना है. और जैसे इन्होंने कहा कि आप अपने पास ऑप्शंस ना रखें कि ये नहीं हुआ तो ये कर लूंगा, ये नहीं हुआ तो ये कर लूंगा. और सर सुभान हमेशा कहते थे कि भाई जब तक कश्तियां जलाओगे नहीं ना, तब तक दिल नहीं लगेगा. तो कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. रोहिल, आपके 11 ईयर्स के करियर में खास बात ये रही कि आप फर्म कभी गए नहीं और आपने फुल फ्लेज कॉर्पोरेट करियर रखा. तो आप स्टूडेंट्स को और जो ये एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं गाइड करें कि क्या फर्म जाना जरूरी है, कॉर्पोरेट करियर में भी बंदा प्रॉस्पर करता है. अच्छा जी, इंटरेस्टिंगली मेरा करियर स्टार्ट हुआ, मैंने जो है वो एक कॉम्पोजिट टेक्सटाइल ग्रुप से स्टार्ट किया, गुलेमा टेक्सटाइल से. एंड फ्रॉम देयर आई मूव्ड टुवर्ड्स द वेरियस कॉर्पोरेट एंटिटीज. वहाँ से मैं शमरीला फूड्स गया, देन आई मूव्ड टू गुलाम फारूक ग्रुप, देन आई मूव्ड टू स्टार्टअप कॉल्ड बेंगो टेक्नोलॉजीज. एंड वहाँ से फिर मैं रिसेंटली एक MNC मैंने ज्वाइन किया, बैरी गोल्ड कॉर्पोरेशन. सो मैं ये एक मिथ है कि मैं ये मिथ क्लियर करना चाहता हूँ कि लोग बड़ा सोचते हैं कि ऑडिट फर्म में जाएंगे तो ही हमारा करियर आगे स्ट्रॉन्ग होगा, या फिर हम अगर बिग फोर ऑडिट फर्म्स में अगर बिग फोर का पार्ट बनेंगे तो हम करियर जर्नी हमारी अच्छी होगी आगे और हम अच्छी जगह पर जाके बैठेंगे. तो आई एम एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू. तो ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो अपना ऑडिट फर्म्स में आपके अगर स्किल्स पॉलिश हों तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल, ठीक है, आपका इंडिविजुअल एफर्ट कितना है. बहुत से लोग ऑडिट फर्म्स में जाकर भी जो कॉर्पोरेट में नहीं जाते वो भी उनका करियर जर्नी भी बहुत अच्छी नहीं होती और इसी तरह वाइस वर्सा चलता है. सो आई थिंक इसमें इंडिविजुअल एफर्ट, कमिटमेंट, आप अपनी स्किल्स पे कितना काम कर रहे हैं, आप कहाँ पे स्टैंड आउट कर रहे हैं स्किल्स में, ठीक है. जब आप इंटरव्यू टेबल पे जाते हैं, जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके साथ बहुत सारी और क्वालिफिकेशंस के लोग भी अप्लाई करते हैं, ठीक है, जिसमें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के भी होते हैं और यूनिवर्सिटीज़ के भी होते हैं, टॉप बिजनेस स्कूल्स के भी होते हैं. सो वहाँ पे फिर होता यह है कि डिपेंड करते हैं कि आप अपना आपको कहाँ पे स्टैंड आउट करते हैं. इंटरव्यू टेबल पे आप ऐसी कौन सी अपनी स्किल्स, ऐसी कौन सी अपनी जो है वो प्रेजेंट करते हैं कि जिसकी वजह से जो है वो आपको प्रेफरेंस दी जाती है. एंड वंस वो आप वो कोड क्रैक कर लें तो फिर आपके सामने जो है ना वो कोई भी गोल अचीव करना जो मुश्किल नहीं रहता. अच्छा, मैं भी अगर अपने कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस से शेयर करूँ तो मैंने कुछ ऐसा EY में भी जॉब करी, फिर ICI पाकिस्तान में भी करी अलॉन्ग विद टीचिंग. तो मुझे हमेशा कॉर्पोरेट का करियर ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट में सेंस ऑफ रिकग्निशन है. मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने काम करने वाले एक होते हो कॉर्पोरेट में, कि आप जो कर रहे हो आप ही कर रहे हो, जबकि फर्म में आप जैसे काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, आप नहीं हो तो कोई और कर लेगा. लेकिन कॉर्पोरेट में आपको होता है कि ये काम मैंने किया तो आई कंप्लीटली एग्री. और ज़ाहिर है कॉर्पोरेट के अंदर जो कमर्शियल सेंस और कमर्शियल एक्यूमेंट आप सीखते हो वो एक बड़ी मोटिवेशन है. अच्छा रोहिल, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एडवाइस और एक बड़ी इंपॉर्टेंट सजेशन जो आपने भी कहा कि आप इंटरव्यू टेबल पर स्टैंड आउट करें. देखें, चार्टेड अकाउंटेंट ECCA भी है, ICAP भी आ रहा है, ECAW भी आ रहा है, कोई ग्रेजुएट भी करके आ रहा है. ऐसा बच्चा क्या स्किल सीखे ड्यूरिंग हिज एजुकेशन कि भाई ECCA कर रहा है, कुछ स्किल्स ऐसे क्या सीखे और सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ से सीखे? ये कहना बहुत आसान है कि भाई कम्युनिकेशन सीख लो, प्रेजेंटेशन सीख लो, अब कहाँ से सीखनी है? तो ये स्किल्स सीखना या एक्सेल सीखना है, क्या करें उन स्किल्स को सीखने के लिए और किन स्किल्स पर काम करें जो उसे इंटरव्यू टेबल में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे और असिस्ट करेंगे? जैसे आज हम एक अलुमनाई सीरीज की वीडियो बना रहे थे तो उसने बड़ा अच्छा सजेशन दिया कि आप एटलीस्ट ये काम करो कि जब आप पढ़ रहे हो ना तो अपने दोस्तों को पढ़ाओ, तो इससे भी तुम्हारी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगी. तो किन स्किल्स की आपकी नज़र में वैल्यू है जो एम्प्लॉयर वैल्यू करता है और आपको लगता है कि कैंडिडेट्स को इस पर काम करना चाहिए? देखें, मेरे नज़दीक सबका तीन स्किल्स ऐसी हैं, मैं एक एक करके सबको बात करूँगा, कि जो इस वक्त अगर स्टूडेंट उस पर काम कर लें तो वो बहुत आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना. उसमें नंबर वन आपकी स्किल होनी चाहिए टेक्निकली, आपका एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत साउंड होना चाहिए, ठीक है. एक्सेल जो है ना वो अकाउंटेंट का ब्रेड एंड बटर है, ठीक है.
अगर आपका एक्सेल बहुत अच्छा है, आपकी उस पर कमांड अच्छी है, ग्रिप अच्छी है, तो आप जो है वो बहुत आगे बहुत जल्दी बढ़ेंगे। ये मैंने अपने करियर में देखा है और मैंने इस पर काम भी किया है, एंड इनफैक्ट मुझे पर्सनली इसका बहुत फ़ायदा हुआ है। तो मैं जितने स्टूडेंट्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीखना शुरू करें, उसका हाथ साफ करें, उस पर इंटरनेट से आपको डाटा सेट्स मिल जाते हैं, आपको छोटे छोटे जो है वो असाइनमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है, नॉट पेड असाइनमेंट्स, बट ये कि मुख्तलिफ वेबसाइट से आपको डाटा मिल जाएगा, उसमें आपको दिया हुआ होगा कि आपने इस डाटा से आपने ये टेबल्स बनाने हैं, आपने ये रिजल्ट्स निकालने हैं। सो आप उस पर काम करें, और जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे तो आपको जो है वो आपका एक्सेल पॉलिश होता जाएगा। बहुत सी कंपनीज अब ऐसी हैं जो कि एंट्री लेवल और ट्रेनिंग पोजिशन पर जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का टेस्ट लेती हैं, और जहाँ पे अगर आपका एक्सेल अच्छा हुआ तो वहाँ पे आप अलग स्टैंड आउट करेंगे, और आप जो है ना ऑब्वियसली आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एज अ वैल्यू एडिशन सोर्स रिसोर्स बनेंगे। सेकंड चीज़ जो मैं कहूँगा वो ऑफकोर्स ACCA जो कर रहा है उसके लिए वो होगी बहुत अच्छी, बट ये कि इंग्लिश, रिटेन इंग्लिश एंड एंड स्पोकन इंग्लिश दोनों बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, जो आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन होती है उसमें ये स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। फिर आप जो भी रिपोर्ट्स ड्राफ्ट करते हैं, आप आगे काम करेंगे अपने, जिस देखें सबसे बड़ी बात ये है कि जो ACCA का ट्रेनी जाता है ना, उससे ज़रूरी नहीं है हर किसी से ना क्लैरिकल काम कराया जाए, उसको बड़ी जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी जाती हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का स्टूडेंट होता है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का बैकग्राउंड होता है उसका, तो वहाँ पे आपकी जो है ना और बिजनेस की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है कम्युनिकेशन की, तो आपकी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप उस पर काम करें। आप इसके लिए ये है कि आप अपने कोर्स मटेरियल के अलावा जो है आप इंटरनेट पे कंटेंट पढ़ें, आप चीज़ें पढ़ें, आप आर्टिकल्स पढ़ें, न्यूज़ पढ़ें, रोज़ाना दो अखबारों के न्यूज़पेपर के आप बिजनेस सेक्शन पढ़ें, उससे आपकी जो है ना वो आपकी वोकैब में भी जो है वो इंक्रीज होगी वोकैबलरी, और आपको बिजनेस की नॉलेज भी बढ़ेगी आपके, आपको इंडस्ट्री ट्रेंड्स का भी आइडिया होगा, प्लस ये आपको पता चलेगा कि हायर के फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन किस तरह होता है। और आखिरी चीज़ जो सर्वेश ने कहा, जैसा कि वही कम्युनिकेशन स्किल्स, तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सॉलिड होनी चाहिए, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको, ठीक है ना। सामने आपके किसी भी कंपनी का बड़े से बड़ा CFO या कोई 15-20 साल के एक्सपीरियंस वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा हो, आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, ठीक है। और कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे होगा, कॉन्फिडेंस इस तरह आएगा कि भाई जब आपकी नॉलेज अच्छी होगी, आपकी सब्जेक्ट मैटर पर ग्रिप अच्छी होगी, आपके आपके टेक्निकल नॉलेज आपकी साउंड होगी, तो फिर आप जो है वो अपनी बात को, अपनी थॉट को प्रेजेंट कर सकेंगे, अच्छे लिसनर बने, क्वेश्चन को सुने, सामने वाले की एडवाइस को सुने पहले और फिर उसको रिस्पॉन्स करें, तो सो डेफिनेटली आप जो है वो और लोगों से आगे बढ़ेंगे अपनी कॉर्पोरेट करियर में भी, और इसके अलावा जहाँ पे भी आपको ज़रूरत होगी। मैं इस बात से रोहित की कम्प्लीटली एग्री करूँगा कि बिजनेस कम्युनिकेशन, अच्छा जब बच्चा क्वालिफाई करता है ना उसको लगता है मुझे सब आता है, और जब मैं जाऊँगा तो मैं तो बहुत बड़ा ही हूँ, और जब वो जाके बिजनेस कम्युनिकेशन करता है वहीं वो मार खा जाता है, कि कितनी बार आप फर्म में जाकर आपको पता नहीं कि आपको किससे किस तरह बात करनी है, आपको ईमेल कैसे ड्राफ्ट करनी है, आपने क्या वर्डिंग्स लिखनी है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन पर काम करना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं एक चीज़ यहाँ बड़ी हाईलाइट करूँगा, मैं एज ए टीचर भी ये देखता हूँ कि चार्टेड अकाउंटेंसी का बच्चे का पूरा फोकस होता है बस पेपर पास करो, इसके अलावा उसको कोई भी चीज़ बोलो ना बोला नहीं ये सब बेकार है, मेरा पेपर इंपॉर्टेंट है, जबकि हकीकत है आपके पेपर से ज़्यादा वो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, कि आप कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स पर जाओ, बात करो, जो समझो ना कुछ काम आपने इसलिए भी करने की वो आपकी लर्निंग है। अच्छा वही मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि देखें स्टैंडर्ड्स की नॉलेज तो जो है ना वो अब रेडीली हर चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल होती है, ठीक है ना। आप बहुत शायद आप शुरू में थोड़े टाइम के लिए स्टैंड आउट कर जाएं अगर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें याद हों, मेमोराइज हों, लेकिन वो नॉलेज आपको हर जगह से मिल जाती है, लेकिन ये उस नॉलेज को प्रेजेंट करना, उसको सामने वाले तक कम्युनिकेट करना, उसको कमर्शियल और बिजनेस सेंस के अंदर उसको यानी कन्वर्ट करना, सो दैट्स एन आर्ट, ठीक है। और वो स्किल ऑफ कोर्स आपको इस तरह से नहीं आएगी एज अ स्टूडेंट लाइफ में, बट वो स्किल आप जब आप कॉर्पोरेट में काम करेंगे आपको वहीं से वो सीख सकेंगे, बट वो जितनी जल्दी आप सीखेंगे, जितनी जल्दी आपका कमर्शियल और बिजनेस एक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी तेज़ी से आप आगे बढ़ सकेंगे।
बहुत मेरे टीचर थे हमारे, वो यही कहते थे कि भाई देखें आपका एम जो है वो किसी कंपनी का CFO नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका एम होना चाहिए टू गो टू द CEO पोजीशन। तो फाइनेंस के बहुत से लोगों का एम होता है कि हम CFO पे जाके हमारा करियर एंड हो जाएगा, सो दैट्स नॉट अ थिंग। आप के CFO से निकल के आपने बिजनेस में आना है, बिजनेस को कंट्रोल करना है, हैंडल करना है, एंड अल्टीमेटली योर गोल शुड बी द CEO। बहुत वैल्यूएबल इंसाइट दिए रोहिल आपने, और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है चार, जब मैं बैक इन हमारी वाली जनरेशन की बात करूँ जो 9-10 इसी से कर रहे थे, तो हमारे दौर में क्लियर होता था कि भाई स्किल्स मॉड्यूल के बाद जॉब पे लगना है। अच्छा, अब ये एक ट्रेंड ही आ गया कि पहले पूरे क्वालिफाई होंगे फिर जॉब पे लगेंगे, तो आपका इस पर क्या ओपिनियन है रोहिल के बच्चे को जॉब पर कब लगना चाहिए, यानी स्किल्स मॉड्यूल के बाद लग जाए, क्वालिफाई कर कर लगे, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट लगे, आपका इस पर क्या ओपिनियन है? देखिए इन शॉर्ट मेरा ओपिनियन ये है कि स्किल्स मॉड्यूल करके आपको अपॉर्चुनिटी जहाँ भी मिले आपको फ़ौरन उसको ग्रैब कर लेना चाहिए, ठीक है, जॉब पे लगें, काम शुरू करें। लेकिन ACCA क्वालिफिकेशन डिज़ाइन इस तरह की गई है कि वो उसके अंदर जो 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 आखिरी के एग्ज़ाम्स हैं वो उनके अंदर जो एक्सपोजर जो जो उसका कॉन्टेंट है ना, वो जब आप कॉरपोरेट में या ऑडिट में या जहाँ पर भी आप प्रैक्टिकली काम करेंगे ना, तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको समझ सकेंगे और उसको जो है ना वो उसकी एप्लीकेशन और उसको प्रॉपरली लेके चल सकेंगे। सो मेरा ख्याल ये कि मैंने खुद पर्सनली मेरे 11 एग्जाम्स हो गए थे, 11 out of 14, वहाँ पे मैंने काम स्टार्ट कर दिया था, आई स्टार्टेड माई करियर, और जो बाकी 3 एग्जाम्स थे वो मैंने अपने कॉर्पोरेट करियर के साथ ही निकाले थे। तो बेहतर ये है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप फ़ौरन उसको करें, एंड जितनी जल्दी आप मार्केट में आ जाएंगे उतना जल्दी आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस रिसोर्स के होंगे जो आपके बाद काम शुरू कर रहा है, तो डेफिनेटली यू विल बी हैविंग एन एज। एक बात तो है आपने बड़ी अच्छी कही कि जो ACCA के फाइनल के पेपर हैं वो डिज़ाइन ही ऐसे हैं कि जब बच्चा जॉब कर रहा होगा तो वो निकाल सकेगा। अच्छा, मैं अक्सर AAA और ATX पढ़ाते हुए एक बात कहता हूँ कि एग्जामिनर आपको इसमें मैनेजर बनाता है। अच्छा, जो बच्चा पेपर दे रहा है वो बेचारा भी जूनियर भी नहीं है, वो तो स्टूडेंट है, वो मैनेजर की तरह कैसे लिखेगा? तो उसका हल ही यही कि आप थोड़ी बहुत जॉब करो ताकि आपको इसका आइडिया हो। और अब मैं आपको बताऊँ, लेकिन हमारे टाइम में प्रोफेशनल स्किल के 4 नंबर होते थे जब हम लोग देते थे पेपर, आपको याद होगा बैक इन 2009-10। अब 20 मार्क्स हो गए प्रोफेशनल के, कि एग्जामिनर कहता है कि जो तुम लिख रहे हो उसके 80 नंबर है और 20 नंबर तुम्हें एक्स्ट्रा दूंगा। 20 नंबर की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती पेपर में, बोला 20 नंबर एक्स्ट्रा है अगर तुमने जो लिखा हो प्रोफेशनल मैनर में लिखा है तो। और वो उसी वक्त हो सकता है जब आपने थोड़ी बहुत जॉब करी होगी, आप यहाँ कॉर्पोरेट का एक्सपोजर होगा। एक आखिरी क्वेश्चन रोहिल, आजकल बड़ा डीमोटिवेशन का दौर है कि यार इकोनॉमी ऐसी है, दुनिया इस हाल में जा रही है, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का ये हाल है, हम पढ़ लिख के हमें जॉब कैसे मिलेगी? आपके ओपिनियन में क्या है कि क्या मार्केट्स में जॉब्स अवेलेबल हैं? जैसे मैं जितने भी प्रोफेशनल से मिलता हूँ मुझे एक उल्टी रीडिंग मिलती है कि भाई जॉब्स बहुत है, क्वालिफाइड बच्चा नहीं है। आपका क्या ओपिनियन है कि मार्केट में जॉब्स अवेलेबल हैं नहीं है, और जो बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं उनको आगे अपने करियर को किस तरह देखना चाहिए? उन्हें जॉब इजीली मिल रही है, मुश्किल मिल रही है? पाकिस्तान की मार्केट किस तरह की है, इंटरनेशनल मार्केट किस तरह की है, इस पर भी अपना ओपिनियन शेयर कीजिए। अच्छा देखें, मैं आपकी बात से एग्री करूँगा और आपको जो प्रोफेशनल साइट्स मिल जाएंगे ना वो बिल्कुल सही मिल जाएंगे कि मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह सब मार्केट में बहुत जॉब्स हैं। इस सब मार्केट में एंट्री लेवल जॉब्स बहुत हैं, मिड करियर लेवल की जॉब्स बहुत हैं और सीनियर लेवल पर भी जॉब्स बहुत हैं। यानी फाइनेंस में इस वक्त पिछले 1.5-2 साल में मुझे ऐसा लगता है कि यानी ACCA की इस वक्त ये वन ऑफ द बेस्ट मार्केट्स है पाकिस्तान के, हर दूसरे एम्प्लॉयर की प्रेफर्ड चॉइस है ACCA। एंड एंट्री लेवल पे तो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो ACCA के ही जो है वो ट्रेनिंग्स को स्टूडेंट्स को या 1-2 साल एक्सपीरियंस वाले लोगों को प्रेफर कर रही हैं। अच्छा, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स या बच्चे कहते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही या हमें कॉल्स नहीं आती। सो 2-3 मसले हैं जो मैंने भी जो इंटरव्यूज लिए हैं और जिन लोगों के साथ बैठा हूँ और हमारी मेरे प्रोफेशनल सर्कल में जो डिस्कशंस होती हैं वो यही है कि बच्चों की जो है ना वो CV प्रॉपर नहीं होती, जो मैंने आपको बात कही जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, डिस्पाइट बीइंग कि आप ACCA प्रोफेशनल जो है वो के लेवल के आप स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पे बड़े उसमें CV के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। सेकंडली ये कि प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं होता, इंटरव्यू में आते हैं वहाँ पे जो है वो प्रॉपर डिस्कस नहीं करते चीज़ों को, प्रॉपर उनके पास रिस्पॉन्स नहीं होते क्वेश्चंस के।
और उसके अलावा जो है वो यानी बहुत सी दफ़ा तो ऐसा होता है कि इंटरव्यू की कॉल्स करते हैं और बच्चे आते ही नहीं हैं, ठीक है ना। तो जॉब्स बहुत हैं मार्केट में एंड लोग प्रेफर भी बहुत कर रहे हैं SCCA को, बट ऐसा कोई मसला नहीं है। हाँ ये है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि सही है कि आपका जो है ना कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ जाता है, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि यार मैंने जो है वो इस टॉप MNC के अंदर जाना है, वहाँ पे एक पोजीशन होती है और वहाँ पे 500 कैंडिडेट्स होते हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि सबको पाए में से उसका हिस्सा मिले, बट ये कि ऑफकोर्स आप थोड़ा सा आप नीचे से स्टार्ट करें, देन आप उस धीरे धीरे करके आप अच्छी ऑर्गेनाइजेशन और अच्छी जो है वो फर्म का पार्ट बनेंगे इंशाल्लाह। सो आई थिंक ऐसा कोई मसला नहीं है कि स्केर्सिटी ऑफ जॉब्स हो, जॉब्स बहुत हैं। इंटरव्यू प्रिपरेशन और उसको इम्पोर्टेंस देना तो रोहित इतना बड़ा मसला है कि मैं आपको बताऊँ, लोगों को रेफर करते हुए कभी कभार डर लगता है कि आपने रेफर किया उसको इंटरव्यू की कॉल गई, वो इंटरव्यू में नहीं गया, नहीं गया। यानी इतनी ह्यूमिलेटिंग चीज हो जाती है कि जिसको आपने रेफर किया अब अगला कह रहा है मैंने उसे इंटरव्यू की कॉल कराई, आया ही नहीं। और फिर कितनी बार बच्चे ड्रेसिंग सही करके नहीं जाते हैं ना। मुझे आज भी याद है एक बार एक बंदे को रेफर किया था तो सामने से इंटरव्यूअर ने ये नहीं बोला कि ये क्या इंसान भेजा, उसने कहा क्या चीज़ भेजी थी, बोला ये तुमने क्या भेज दिया था, इसने अजीब हालत कर दी। तो इम्पोर्टेंस दें इंटरव्यू को। और जैसे मैं बताऊँ मल्टीपल एलुमनाई ने यही बात को हाईलाइट करी कि अपने आप को लिमिट ना करें, जो ओपनिंग मिल रही है उस पर जाएं, करियर को शुरू करें। लाइफ 2 घंटे की जिंदगी नहीं है, ये लंबा सफ़र है, आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं और आपको राइट जॉब मिल जाती है। सो रोहित देखिए मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगा, मैं मेरे करियर की ये 5th कंपनी है एंड आई हैव नेवर फॉरवर्डेड माई रिज्यूमे विद एनी रेफरेंस, ठीक है ना। मैं कहीं भी मेरे कोई इंटरव्यूज और कोई जॉब्स रेफरेंस के साथ नहीं हुई। सो जब आपको पता होता है कि यार आप किसी रेफरेंस के साथ नहीं गए हैं एंड यू आर द वन हु इज़ योरसेल्फ, आप खुद ही हैं जो हैं अपने सामने, तो वो ऑलरेडी आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो चीज़ आपको ऑलरेडी बूस्ट हो चुका होता है आपका वहाँ पे, ठीक है। एंड सेकेंडली ये कि आपने वहाँ पे जो है अपने आप को इस तरह प्रेजेंट करना है इंटरव्यू में कि आपको यानी आपकी जॉब ऑलरेडी मिल चुकी है, ठीक है ना, आप ऑलरेडी इस रोल में इस पोजिशन में आ चुके हैं, बजाय इसके कि जो है ना वो आप यानी इस तरह बिहेव करें या इस तरह परफॉर्म करें कि यू आर वेरी नीडी फॉर दिस जॉब। सो जब आपके जहन में ये वाला कॉन्फिडेंस होगा, आपके जहन में ये वाली सोच होगी, तो डेफिनेटली वो अंदर से आपके परफॉर्मेंस जो है ना वो खुद ही बाहर निकल के आती है। एंड आप मेरी स्टूडेंट से गुजारिश है कि एक दफ़ा वो इस तरह सोच के और करके देखें, डेफिनेटली उनको जो है ना वो डिफरेंस फील होगा। रोहित इट वॉज ए ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन और आपने बहुत बेहतरीन इंसाइट न्यू एस्पायरिंग स्टूडेंट्स के साथ शेयर करी है। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम, आप अपनी ऑफिस से डायरेक्ट आए, इट वॉज अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड मैं आप तमाम लोगों से कहूँगा कि आप लोग अपनी जर्नी को रिलेट करें। इस एलुमनाई सीरीज का मकसद ये है कि आप रिलेट कर सको कि देखो ये तमाम लोग आपके फेस से गुजरें और आज 10-11 साल बाद दे आर सिटिंग इन गुड पोजिशंस। तो ये सब मल्टीनेशनल कंपनीज में सर्व कर रहे हैं और ये सब इसी पाकिस्तान की इकोनॉमी से रहकर काम कर रहे हैं। तो आपने मोटिवेशन रखनी और आपने कमिटमेंट के साथ अपनी जर्नी को पूरा करना है। सो थैंक यू एवरीवन एंड वंस अगेन थैंक यू रोहित फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू।